हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। धनतेरस के दिन हमने की अपने घर में श्री अंत की स्थापना, और ये स्थापना हम श्री अंत के दिवाली के दिन भी कर सकते हैं। तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं अपने इस वीडियो में अपनी ये पूजा विधि। तो गाइस चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। श्री अंत की पूजा के लिए हमारे पास कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास फल होने चाहिए, फूल होने चाहिए, कलश होना चाहिए, कलश में तांबे का लोटा, साथ में एक पानी वाला नारियल। तो गाइस ये वस्तु हमारे पास होनी चाहिए। और आम के पल्ले, पंचामृत के लिए 5 चीज़ें होती है, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। तो ये पंचामृत का हो गया। और इसी तरह हम अभिषेक के लिए भी इन 5 वस्तुओं को रखेंगे, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। तो अभिषेक के लिए ये 5 वस्तुएं होंगी। साथ में हमारे पास है आम के पल्ले और सुपारी है, लौंग है, इलायची है, जनेवा है, रोली है, मोली है। साथ में है हमारे पास ये गंगा जल, और हमने साथ में रखा है यहाँ पर पंचामृत के लिए एक लोटा। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं गणेश जी की स्थापना। तो गणेश जी की स्थापना के लिए हम लोगों ने यहाँ पे स्वास्तिक बनाया है, और यहाँ पे हमने लक्ष्मी और गणेश जी का स्थान दे दिया। तो हमने यहाँ पे स्थापित किए हैं लक्ष्मी जी और गणेश जी को। और यहाँ आज मैं दिखा रही हूँ आप लोगों के साथ श्री अंत की पूजा। तो यहाँ पे मैंने विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की पूजा कर ली है। तो गाइस यहाँ पे मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ श्री अंत का अभिषेक और इनकी पूजा विधि। तो गाइस यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अब श्री अंत की पूजा। तो श्री अंत की पूजा हम लोग किस प्रकार से करेंगे आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने कांसे की प्लेट में हमने स्वास्तिक बनाया, साथ में हमने अक्षत, रोली और फूलों को रखा, और इसके ऊपर रखा हमने श्री अंत को। और अब करें हम इनका अभिषेक। तो अभिषेक के लिए मैंने ये पात्र लिया, तो ये पात्र कहलाता है श्रृंगे। तो श्रृंगे से हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे श्री अंत का अभिषेक, और ये मंत्रों के उच्चारणों के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे श्री सुत्तम का पाठ किया जाता है, तो श्री सुत्तम के पाठ के द्वारा ही श्री अंत की स्थापना की जाती है। नमो महालक्ष्मी, ओम राम रीम श्रीं क्लूं महालक्ष्मी भ्यो नम, ओम राम रीम श्रीं महालक्ष्मी भ्यो नम, ओम हरीं श्रीं श्रीं महालक्ष्मी भ्यो नम, ओम हरीं श्रीं महालक्ष्मी भ्यो नम। ओम दुर्गाय दुर्गराय रुक्रेसराय सरुक्राणी खात से तथे कृष्णाय धूम्रते तस्त्राय नम, ओम अति संभवत्री दुर्वाय नमस्ते नमो नम, नमो जागृत प्रतिष्ठा देव्य कृत्य नमो नम। या देवी सर्वभूत विष्णु, या देवी सर्वभूत विष्णुमयति शिविता नमस्तस्य 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 नमः। या देवी सर्वभूते चिन्तयने चिन्तयने अपाम अपाम पते पते हे महालक्ष्मी महालक्ष्मी देवियो नमो। ऐसे बोलते हैं महालक्ष्मी देवियो नमो नमः। ओम पंचामृत नदीदं दिरं मधुरसक्रास मायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगतां, ओम पंचामृतमनितं दधिदरित्रं मधुरसक्रास मायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगतां, पंचामृतमनितं दधिदरित्रं मधुरसक्रास मायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगतां, स्नानार्थं प्रतिगतं पंचामृतं मधुसक्रास स्नानार्थं प्रतिगतं, पंचामृतमनितं दधिदरित्रं मधुसक्रास मायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगतां, सुजलं समर्पितं। ओम सुजलम समर्पयामि गंगा चमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगतं, गंगा चमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृहीताम्। सुक्तम के पाठ के द्वारा हमने इनका अभिषेक किया। तो अभिषेक करने के बाद हमने इनका पंचामृत से भी अभिषेक किया, और अब हम इनका शुद्ध जल से अभिषेक करने के बाद हम इन्हें एक साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। तो साफ कपड़े से पोंछने के बाद उसके बाद हम इन्हें एक आसन देंगे। तो आसन के लिए हमेशा एक लाल या फिर हमें एक गुलाबी रंग के कपड़े पर ही इनको बैठाना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर इनको हम लाल से रंग के कपड़े पर स्थापित करेंगे। को हमने यहाँ पे स्थापित कर दिया। अब हम यहाँ पे करेंगे इनका फिर से एक बार अभिषेक। तो अभिषेक के लिए हमने यहाँ पे लाल फूल लिए। तो गाइस आप लाल फूल, अनार के दाने, अनार का फल, कमल के फूल मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इन सब वस्तुओं से भी आप इनका अभिषेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाल फूलों के द्वारा श्री अंत का अभिषेक किया है, और अब मैं यहाँ पे शुद्ध जल 3 बारी छोड़ रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अब करेंगे श्री अंत की पूजा विधि। तो यहाँ पे हमने रोली रखा है,
मौली रखा है वस्त्र रूपी और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं इनका पूजा विधि। तो गाइस यहाँ पे इस प्रकार से मैंने अपने घर में श्री अनंत की पूजा की है और अक्षत के साथ हम लोग यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं। तो रोली के बाद हमने यहाँ पे इनको अक्षत भी अर्पण कर दिया है। यहाँ पे फिर हम दिखाएंगे इनको धूप और दीप। तो धूप और दीप दिखा के हम अपनी पूजा को संपन्न करेंगे। और यह जो हमारा अभिषेक का जल है इसे हम नेक्स्ट डे सुबह के समय पेड़ों में डाल देंगे। तो गाइस ये पूरे घर में छींटे देने के बाद जो बचा हुआ जल होगा उनको मैं पेड़ों में डाल दूंगी। तो गाइस इस प्रकार से हमारे घर में श्री अंत की आज स्थापना हुई है। लक्ष्मी जी की पूजा और श्री अंत की पूजा में अनार के दानों का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो अनार के दानों के द्वारा हम लक्ष्मी जी का अभिषेक कर सकते हैं। इससे हमारे घर में हमेशा धन की बरकत होती है और लक्ष्मी जी काफ़ी खुश होती है। तो गाइस अनार के दानों के द्वारा हम अगर लक्ष्मी जी का अभिषेक करते हैं तो हमारे घर में हमेशा वैभव बना रहता है और लक्ष्मी माँ का हमें हमेशा आशीर्वाद मिलता है। तो गाइस इस प्रकार से आप भी अपने घर में दिवाली के दिन श्री अंत और लक्ष्मी जी की स्थापना कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे कर रहे हैं आरती। यहाँ हम लोग करेंगे आरती। तो गणेश जी की आरती करने के बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे लक्ष्मी माता की आरती। आरती समाप्त होने के बाद पंडित जी ने बजाया यहाँ पे तीन बारी शंख। तो शंख बजाने से घर का वातावरण जो होता है काफ़ी शुद्ध होता है और घर में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हम सबको मिलता है। तो गाइस इस प्रकार से आप लक्ष्मी पूजन के दिन भी अपने घर में शंख को अवश्य बजाएं। और ये कलश का जो नारियल है वो पंडित जी ने मेरी झोली में दिया, तो ये नारियल हम प्रसाद के रूप में घर में सबको बांट देंगे। तो गाइस अपनी झोली को जरूर भरवाइए पूजा सम्पन्न होने के बाद। तो इस प्रकार से हमारे घर में श्री अंत की पूजा हुई, धनतेरस की पूजा। तो आज के दिन धनतेरस के दिन हमने अपने घर में श्री अंत की स्थापना की और यह पूजा करवा के हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो गाइस आप लोग को मेरी ये पूजा विधि कैसी लगी प्लीज़ बताना ज़रूर। मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे तो प्लीज़ इनको लाइक ज़रूर कर दिया कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों सपोर्ट करना ना भूलिएगा।